पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्वजा व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह के समय सर्गी का सेवन करके व्रत रखने का संकल्प किया जाता है। इसके बाद दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के साथ विधिवत पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है और रात को चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन करवा चौथ की थाली को बहुत अधिक महत्व है, इसका इस्तेमाल करके ही पूजा की जाती है। चलिए हम आपको ज्योतिषियों के अनुसार बताते हैं कि करवा चौथ की थाली में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। करवा चौथ की थाली में सबसे जरूरी चीज कड़वा है। बता दें कि करवी चौथ में मिट्टी का कड़वा सबसे जरूरी चीज माना जाता है। यह आसानी से बाजार में मिल जाता है, इसे लेकर आप इसमें चावल को पीस कर घोल बना ले और इसके चारों ओर लगा दे। वहीं अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो पीतल से बना कड़वा भी इस्तेमाल करना शुभ होता है। इसके साथ ही पूजा के दौरान दो कड़वा होना जरूरी है। दीपक, करवा चौथ की थाली में मिट्टी से बने एक या दो दीपक का होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप आटा से बना भी एक दीपक को अपनी थाली में शामिल कर सकते हैं। छलनी, करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देखने के बाद पति को देखने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, इसे भी अपने लिस्ट में शामिल करना ना भूलें। कांस की तिल्लियां, करवा चौथ के दिन कांस की तिल्लियों को भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हें करवा के बने छेद में लगाया था। बता दें कि इस्तेमाल करने के बाद इन्हें रख लिया जाता है और गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाते समय शिखा पर इन्हें लगाया जाता है। पानी के लिए लोटा, भगवान चंद्रमा को अर्पित करने के लिए थाली में एक लोटा जल भी जरूर रख ले। इसके साथ ही थोड़ा सा पानी गिलास में रख ले, जिसे पीकर ही व्रत खोलना शुभ माना जाता है। सिंदूर, थाली में सिंदूर जरूर शामिल करें, इसे चंद्रमा को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही पूजा करने के बाद पति पत्नी की मांग में भरता है। मिट्टी की पांच डेलियां, मिट्टी की पांच डेलियों को गौरी जी के रूप में पूजा जाता है। करवा चौथ की पूजा के दौरान इसका इस्तेमाल भी जरूर करें। अक्षत, चंद्र द्रव को चढ़ाने के लिए अक्षत भी शामिल करें। थोड़ा सा अक्षत एक करवा में थोड़े से भर दे। इसके साथ ही एक सिक्का और थोड़ी सी आटे की लोई डाल दे। मिठाई, चंद्रदेव की पूजा करने के साथ करवा में डालने के लिए मिठाई जरूर मंगा ले। अगर आप इतनी चीजें अपनी करवा चौथ की थाली में रखती हैं तो आप अपने पूजा को बहुत ही आसानी से और सही ढंग से पूरा कर सकती हैं। चलिए इसी के साथ हम आपको यह भी बताते हैं कि इस पूजा के दौरान स्त्रियों को क्या ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनसे उनकी पूजा विफल हो जाए। बता दें कि ज्योतिषियों का मानना है कि करवा चौथ व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सफेद वस्तुएं जैसे दूध, सफेद कपड़े, चावल और सफेद मिठाई आदि चीजें दान नहीं करनी चाहिए। इस दिन इसका दान सुहाग के लिए शुभ माना जाता है और व्रत का शुभ फल भी नहीं प्राप्त होता। व्रत के दिन व्रती को शांत बने रहना चाहिए। इस दिन पति से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए। व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, यहाँ तक कि किसी को नीचा दिखाने या उसका अपमान करने की भी कोशिश ना करें। करवा चौथ व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। वैसे भी हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले रंग का कपड़ा पहनना वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही व्रत के दिन व्रती को सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि काले व सफेद रंग के कपड़े पहनने से करवा चौथ व्रत का फल नहीं मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे द्वारा ये सभी बातें विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझ कर ही ले। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री या गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।